अपने माता पिता गुरु महापुरुष का अपमान मत करना, नहीं तो आपका पतन हो जाएगा। वृतासुर वध करने पर देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इस पाप के भय से एक सरोवर में छिप गया, और छिपने के बाद ढूंढने पर भी जब देवता देवराज इंद्र का पता नहीं लगा तब वह चिंतित हुए। स्वर्ग का राशि आसन सुंदर है, त्रिलोक में सुव्यवस्था कैसी रह सकती। अंत में देवताओं ने देव गुरु बृहस्पति को सलाह से राजा नहुष को इंद्र के सिंहासन में तब तक के लिए बैठाया जब तक इंद्र का पता ना लग जाए। इंद्र तत्व पाकर राजा नहुष प्रवता के मन में मग्ध हो गया और अपनी इंद्रपति सची देवी को अपनी पत्नी बनाना चाहा। सची के पास दूत के द्वारा उन्होंने संदेश भेजा, मैं अब इंद्र हो चुका हूँ, इंद्राणी मुझे स्वीकार करना ही चाहिए। इस प्रकार पति व्रता शशि देवी ने बड़े संकट में पड़ी। अपने पति की अनुपस्थिति में पति के राज्य में अवस्थ हो या उन्हें स्वीकार नहीं था, अपना पतिव्रत ही उन्हें परम था। वे देवगुण में देवगुरु की शरण में पहुंची। बृहस्पति ने उन्हें आश्वासन देकर युक्ति बतला दी। देवगिरी के आदेश के अनुसार सची ने उस दूत को द्वारा नहुष को कहला दिया, यदि राजेन नहुष ऐसी पालकी बैठ कर मेरे पास आएगा, उसे सत्य ऋषि ढो रहे हैं, तो मैं उनकी सेवा में उपस्थित हो सकती हूँ। काम एवं अधिकार के मन में मतवाले ने नहुष ऋषि ने सत्य ऋषि को पालकी ले चलने की आज्ञा दी। राग द्वेष मान अपमान रहित सत्य ऋषि नासुक की पालकी उठा ली, लेकिन वे ऋषिगण भय से पैरों के नीचे कोई चींटी या अन्य क्षुद्र जीव दम न जाए भूमि को देखकर धीरे धीरे पैर लगाकर चलते रहे। उतने में कामतुर नासुक इंद्राणी के पास शीघ्र पहुंचने की आतुरता थी। वे बार बार ऋषि को शीघ्र चलने को कह रहे थे, लेकिन ऋषि अपनी इच्छा अनुसार चलते थे और सर्प सर्प शीघ्र चलो यह कह नहुष ने झूलाकार पैर पटका। संयोगवश उसका पैर पालकी के धोते में महर्षि अगस्त को लग गई और महर्षि के नेत्र लाल उठे। उन्होंने श्राप देते हुए बोले, दुष्ट तू अपने से बड़ों द्वारा पालकी को ढुलवाता है और महानंद होकर पूजनी लोग को पैर को छुटकारा करता है। सर्प सर्प अतः तू सर्प होकर यहाँ गिर जा। महर्षि अगस्त के श्राप से नासुक तेज भ्रष्ट हो गया, अभय के मारे कांपने लगा। शीघ्र ही बड़ा भाई अजगर होकर स्वर्ग से पृथ्वी में गिर पड़ा। अगर यह शिक्षा आपको अच्छी लगती है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो ताकि आपका जीवन बहुत अच्छा रहे। ओम साई राम, जय साई राम।